नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे चैनल गांव की सुनीता में। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। मटखोर बनाने वाले हैं, तो आप लोग देखिए मटखोर कैसे बनाते हैं। तो डाल लिए हैं माठा तसला में, इसी तसली से माठा डाले हैं एक तसली, और एक तसली इसी में पानी लिए हैं। तो इसमें माठा था, इसीलिए पानी ऐसे दिख रहा है। तो इसमें डाल देंगे हम, माठा में पानी डाल देंगे इतना, और लगा लेते हैं माठा और पानी मिक्स कर लिए हैं। अब चूल्हे में आग लगा लेते हैं। महेरी बना रही हैं, मटखोर भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो चूल्हे में आग लगा चुके हैं, बहुत अच्छी आग लग गई है। तो अब रख देते हैं ये तसला को, जिसमें महेरी बना रही हैं। हाँ, तो मैं चूल्हे तसला टंगा दी हैं। अब इसको हम अच्छे से चला डालेंगे, बहुत ही अच्छी आज बनाएंगे मटखोर, खाने में तो मज़ा ही आने वाला है। तो अच्छे से इसको चला डालेंगे। इसमें डाल देते हैं हल्दी और नमक डाल देंगे साथ में। तो और पानी डाल रही हैं मम्मी, थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं, कम था तो मम्मी बोली और डाल दें। नून और हल्दी डाल दें, नमक डाल देते हैं मट्ठा में, और हल्दी डाल दें एक चम्मच करीब। हल्दी डाल दें, हल्दी नमक डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से चला डालेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा, तब तक भाप नहीं निकलने लगेगी, तब तक हम इसको चलाएँगे। चला लेते हैं इसको। हाँ, तो ये मट्ठा को पूरा चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाएगा, नहीं तो ये छाड़ देंगे ना तो फट जाएगा। हाँ, तो इसको चलाते ही रहना है पूरे, जब तक उबाल नहीं आएगा, तो ताकि मटखोर बहुत ही अच्छे से बन जाए। अभी इसको और चलाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा भाप बस निकलने लगा है। हाँ, तो 10 मिनट तक और चला डालेंगे अच्छे से। हाँ, तो उबाल आ जाएगा। ऐसे चलाते ही रहना, छोड़ना नहीं है, नहीं बनेगा, नहीं फट जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा पूरा मटखोर। ये ध्यान रखें आप लोग कि इसको घुमा घुमा के चलाते रहना है, बीच में रोकना नहीं है। अच्छे जैसे मैं चला रही हूँ ऐसे घुमा घुमा के चलाते रहना है। हाँ, तो इसमें अब उबाल आने ही वाला है। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। तो इसमें डाल देंगे चावल। मैं चावल को धो के रख ली थी पहले से, तो अब इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, तो मैं डाल दूँगी चावल को। हाँ, तो कटोरी से भर भर के चावल को, दौरी में रखे हैं चावल, तो डाल देते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें उबाल आ गया है मट्ठे में। ऐसे ही पूरा चावल डाल देंगे। हाँ, तो मैं चावल डाल दी हूँ, और एक बार इसको चला लेते हैं। एक बार चला देंगे तो फिर अच्छे से उबाल आ जाएगा इसमें। तो उबाल आने तक इसको हम पकने देंगे। हाँ, तो ये आधे घंटे से पक के तैयार हो जाएगा 20 मिनट से। हाँ, तो बहुत ही अच्छे से इसमें उबाल बहुत अच्छे से बलकने लगा है। हाँ, तो ये तब तक बीच बीच में इसको चलाते ही रहना है ताकि अच्छे से बन जाए। और इधर लहसुन मिर्चा काट लेते हैं, तब तक पक रही है तो मस्त आगे बार दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उबाल आ गया है इसमें। इसको ऐसे बीच बीच में चलाते ही रहेंगे। अब हो गया 10 मिनट से पक ही जाएगी मटखोर। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। अच्छे से मेहरी पक रही है। अब मेहरी हमारे पक चुकी है, तो इसको हम उतार देंगे एक बार चला के। हाँ, तो चलिए उतार देते हैं, फ्राई भी करनी है। हाँ, तो मैं मेहरी को उतार दिए हैं। हाँ, तो अब इसमें फ्राई करेंगे। दिए हैं थोड़ी सी कंडा निकाल के,
रख दिए हैं, सरसों का तेल डाल दिए हैं तो गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो चुका है तो तड़के के लिए डाल देते हैं मेथी और लहसुन डाल देंगे और कटी हुई मिर्ची ब्राउन होने तक पक देंगे। इसलिए जीर भी डाल देते हैं तो ब्राउन होने तक अच्छे से इसको हम पकने देंगे। हाँ तो लहसुन मिर्ची सब ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे मेहरी में तड़का लगा देंगे। तो डाल दिए हैं मेहरी में, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर डालेंगे। कितना अच्छा मेहरी की महक आ रही है कि क्या बताएं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बघाड़ दिए हैं और बन के तैयार है तो चलिए एक थाली में सर्व कर देते हैं। एक थाली में सर्व कर लिए हैं, अब आइए आप लोग भी खा लीजिए। बहुत इसमें खुशबू आ रही है कि क्या बताएं। हाँ तो अब हम लोग इसको खाएंगे, बहुत ही अच्छा बहुत टेस्टी बना है। और भिंडी की सब्ज़ी बनाए हैं, बहुत ही अच्छी भिंडी की सब्ज़ी भी बनी है। हाँ तो वैसे तो कद्दू की सब्ज़ी और मटखोर इतना अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा स्वाद उसमें रहता है, तो मैं कद्दू की सब्ज़ी नहीं बना पाई। मम्मी भिंडी तोड़ लाई थी तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाई हूँ। कद्दू का सब्ज़ी और मटखोर महेरी बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है और बहुत ही अच्छा बनता है। इसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है भिंडी की सब्ज़ी के साथ भी, तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाई हूँ। हाँ तो चलिए इसको मैं खाती हूँ, अब खाऊँगी। उधर सब लोगों को, मम्मी लोगों को, भाई लोगों को दे दिए हैं। हाँ तो हमारी माठा की रेसिपी, माठा दही की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को करिए लाइक और नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखें अपना ख्याल।